hello friends in this video we will talk about david storey one of the writer of postmodern age we are discussing the writers of postmodern age let's talk about david storey he was born in 1933 and he was died in 2017 and he was a professional rugby league player so ये गेम होता है बॉल से खेलते हैं इसमें भी फुटबॉल की तरह ये गेम होता है तो इसके ये प्रोफेशनल प्लेयर थे एंड फुल नेम इज़ डेविड मेलकॉम स्टोरे फुल नेम इज डेविड मेलकॉम स्टोरे तो फुल नेम हर राइटर का याद रखना है उनके निक भी याद रखने हैं कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं हमें हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है तो इनका जो तो फर्स्ट वर्क के बारे में बात कर लेते हैं द फर्स्ट वर्क ऑफ डेविड स्टोरे इज दिस सपोर्टिंग स्पोर्टिंग लाइफ दिस स्पोर्टिंग लाइफ तो स्पोर्ट्स के ऊपर थे ये स्पोर्ट्स खेलते थे रुकबी प्लेयर थे तो इसीलिए उन्होंने इनकी ये राइटिंग हम समझ सकते हैं कि कितने इनके दिल के करीब होगी दिस स्पोर्टिंग लाइफ एंड इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन सिक्सटी में इट इज सेट इन नॉर्थन इंग्लैंड तो इसकी जो सेटिंग है वो है नॉर्थन इंग्लैंड की इट इज़ अबाउट ए मैन वू ट्राइज टू मेक और एंटर इन टू ए रिग्बी लेग फुटबॉलर तो ये एक स्टोरी है एक इंसान की जो अपने आप को एंटर करना चाहता था खेलना चाहता था रुगबी लीग जो फुटबॉलर थे उनमें मतलब शामिल होना चाहता था इट वॉज द डिबेट नावल ऑफ स्टोरे तो ये एक डिबेट नावल है स्टोरे की हिमसेल्फ ए फॉर्मर प्लेयर फॉर लीड्स एंड दिस बुक वॉज द बेसिक्स फॉर लिट्से तो ये क्या है बेसिक उन्होंने किसके लिए है लिंसे एंडरसन जिन्होंने फिल्म बनाई थी नाइनटीन सिक्सटी थ्री में दिस स्पोर्टिंग लाइफ तो इन्होंने जो डेविड रुकबी है उन्हीं से इंस्पायर होकर एक मूवी भी बना दी थी दिस स्पोर्टिंग लाइफ एंड जो बेसिक्स थे जो इसका जो किरदार थे जो भी होते हैं मूवी में तो वो उन्होंने इन से इंस्पायर होके लिए थे डेविड स्टोरे से लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वर्क ऑफ डेविड स्टोरे द लास्ट एंड द फाइनल वर्क इज सेविले तो जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वही हम कर रहे हैं नॉट मोर देन दैट तो इसीलिए जितना आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही वरना बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कितना करना है क्या करना है कितने राइटर्स ने तो इतनी सारी राइटिंग लिख दी है लेकिन जितना करना है उतना ही आपको मटेरियल दिया जा रहा है तो इसीलिए कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है इसी मटेरियल को अच्छे से आपको पढ़ना है तो इतना ही जितना राइटर ने जितना इनके बारे में पूछा जाता है हम उतना ही करेंगे क्योंकि बहुत सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है तो ये स्टार्ट करते हैं इनकी जो राइटिंग है सेवेल सेवेल एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1976 ये पब्लिश हुई थी 1976 में एंड दिस नावल इज़ ए बुकर प्राइज़ विनिंग नावल तो इसी नावल को बुकिंग प्राइज बुकर प्राइज़ विनिंग नावल है ये तो बुकर प्राइज मिला था बुकर प्राइज एक बहुत ही बड़ा इनाम प्रा, है प्राइज़ है ए, ए, ए लिटरेचर के जो राइटर्स है उनको ये मिलता है तो ये इनको इसी नावल के लिए मिला था कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो किस नावल के लिए डेविड स्टोरे को बुकर प्राइज़ जो मिला था तो आपको याद रखना है सेवेल तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पोर्ट में थे तो स्पोर्टिंग के लिए नहीं इसके लिए उन्होंने बुक ऑफ प्राइज मिला था एंड इट इज़ सेट इन द यॉर्कशायर माइनिंग विलेज ऑफ सेक्सटन तो ये इसकी सेटिंग है यॉर्कशायर की और उसकी कहाँ की सेटिंग थी इंग्लैंड की सेटिंग थी इसकी सेटिंग है यॉर्कशायर माइनिंग जो विलेज है उसकी सेक्सटन की इट इज अबाउट ए ग्रोइंग अप ऑफ ए बॉय कॉलिन तो ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम है कॉलिन डूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वार टू के टाइम पे जो एक माइनिंग विलेज में रहता है उसकी स्टोरी है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की तो ये इतना ही आज इस राइटर के लिए डेविड स्टोरी के लिए इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो एक एक स्लाइड को ज़रूर पढ़ें क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड होती है एक बार आपने सुन लिया एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा जब भी आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप आराम से उसको आंसर कर पाओगे क्योंकि दो बार आपका यही हो रहा है और ज़रूर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए सारी पी वगैरह उधर ही आपको मिलेगी और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे